इस वक्त आप देख रहे हैं बॉयज द फैमिली, मैं आपके साथ में हाई स्कूल कैबिनेट की बात करें तो इंदौर से है, जहां इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी करने आई एक युवती शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर दोस्त से ही ठगा गई। जी हां, बैतूल के रहने वाले एक एडवोकेट की एमबीए पास बेटी के साथ शेयर कारोबार में निवेश के नाम पर 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले एडवाइजरी संचालक प्रवीण बड़खाने और उसकी गर्लफ्रेंड शेरी रजक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रवीण बड़खाने ने पहले अपनी फ्रेंड से 35,000 रुपए लेकर 15 दिन में ही 70,000 रुपए लौटा दिए। तब युवती ने अपनी मां से 3.5 से 4 लाख रुपए लेकर निवेश कर दिए। इसके बाद आरोपी ने शेयर ब्रोकरेज कंपनी खोलकर युवती के माध्यम से 16 लोगों के 1.20 करोड़ पैसे देने बंद कर दिए। इसके बाद युवती के पिता ने शेयर ब्रोकरेज कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि प्रवीण से जब वह इंदौर में मिली थी तब उसने 6 माह में रुपए दोगुना करने की बात कही थी, लेकिन हर 15 दिन में रुपए डबल कर देने के बाद फरियादी का लालच बढ़ता गया। प्रवीण ने अपने लग्जरी ऑफिस में उसे कई क्लाइंट से मिलवाया, इस कारण से फरियादी पूरी तरह से उसके जाल में फंस गई। इस दौरान में मुलाकात के बाद प्रवीण के साथ फरियादी उसके घर भी गई, जहां पर प्रवीण के माता पिता ने फरियादी को उसके साथ ब्रोकरेज फर्म के साथ में काम करने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुम सिर्फ रुपए लगाओ, बाकी काम प्रवीण कर लेगा। आरोपी प्रवीण ने अपने माता पिता से मिलाने के बाद फरियादी से ऑबिट मॉल में profitmall.in नाम से ऑफिस खोलने की बात कही, लेकिन प्रवीण बड़खाने ने अपनी पत्नी शेली रजक के नाम से ही ऑफिस का एग्रीमेंट किया। इस मामले में पराग जायसवाल नाम का एक अन्य साथी भी शामिल था, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऑफिस खुलने के बाद फरियादी के कागज से डिमेंट अकाउंट खोले और उसी से अपने ब्रोकरेज के सारे ट्रांजेक्शन करते थे। प्रवीण ने कुछ समय बाद फरियादी के रुपए लौटाना बंद कर दिए, तब उसने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो ये था अब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।